बिहार में बाढ़ का कहर, 29 दिन में बह गया 264 करोड़ का पुल, तेजस्वी ने साधा निशाना। पंजाब में कोरोना का कहर जारी, उधर कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के बाद उनकी पत्नी और बेटे को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री के 3 रिश्तेदार सहित अंबाला में 33 लोग कोरोना पॉजिटिव, आंकड़ा पहुंचा 691। पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जाम में फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कर चुका था एग्जाम्स लेने की तैयारी। भारत ने पाकिस्तान से कहा, जाधव को बिना शर्त दे काउंसलर एक्सेस। टिकटॉक की भारत के बाद दूसरे सबसे मार्केट से होगी छुट्टी, 1 हफ्ते में होगा ऐलान। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ओपन बुक परीक्षा के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।